क्लासेस जो हमारी लास्ट वीडियो थी क्लास 12 की वीडियो नंबर 3 अप टू फ्रॉम वीडियो नंबर 1 टू वीडियो नंबर 3 उसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लास 12 का वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ दिस इज आवर चैप्टर नंबर 2 दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअली जो चैप्टर नंबर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये इट मींस ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है बल्कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है। क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इसलिए क्योंकि यहीं से फ्रॉम दिस चैप्टर आवर चैप्टर नेशनल इनकम इज स्टार्टेड। जो हमारा नेशनल इनकम है जो हमको नेशनल इनकम में पढ़ना है कि भाई नेशनल इनकम में कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे नेशनल इनकम में आते हैं वो हमें यहीं से समझ में आएगा। तो टोटल 8 to 9 कॉन्सेप्ट है लाइक एस फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया डोमेस्टिक ट्रेडरी, उसके बाद हो जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट, उसके बाद रेसिडेंटशिप, उसके बाद सिटीजनशिप, डिप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब तक हम उसको इस चैप्टर में नहीं समझेंगे तब तक नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। लॉ जो हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है फर्स्ट टॉपिक क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है इसको हम और क्या बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरी। देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी होता क्या है। इट रिफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटायर्स और बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है इट रिफर्स टू पॉलिटिकल फ्रंटायर्स और बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यानी कि एक कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं या पॉलिटिकल फ्रंटायर्स होती हैं वो उसको हम क्या कहेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। बट अब भाई ये फ्रंटायर क्या होता है बाउंड्री क्या होती है फ्रंटायर पॉलिटिकल फ्रंटायर या फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज मीन्स ऐसी कौन कौन सी खींचें हैं जो हमारे देश के नाम है जो हमारे इंडिया के नाम से ऐसी कौन कौन सी चीज है जो हमारे इंडिया के नाम से या कोई कंट्री के नाम से है वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगी। लेट्स टेक एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 एस्टैब्लिशमेंट कंसोलिडेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो गई कोई भी कंसोलिडेट हो गई या कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो गई वो कोई भी कंट्री की अगर लोकेटेड अब्रॉड है वो जिस कंट्री की होगी वो उसी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगी। जैसे इंडिया की एम्बेसी है ठीक है इंडिया की एम्बेसी लोकेटेड कहाँ है वो जापान में या इंडिया की एम्बेसी है वो लोकेटेड कहाँ है रशिया में। तो क्या हो जाएगा इंडिया की एम्बेसी है तो हमारे देश के नाम पे लेकिन उसका लोकेशन कहाँ है या फिर रशिया है या जापान है तो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो जाएगी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगी हमारी इंडिया। नेक्स्ट शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय होम कंट्री बिटवीन एनी अदर कंट्रीज। कोई भी शिप्स है या कोई भी एयरलाइंस है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय होम कंट्री जिसको ऑपरेट कौन करता है हमारी कंट्री करती है बिटवीन एनी अदर कंट्री तो किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगी वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगी। लाइक एज कोई एक एयरलाइंस है इट ऑपरेट्स बिटवीन दिल्ली टू अमेरिका। ठीक है कोई भी एक एयरलाइंस है वो चलती कहां से दिल्ली से लेकर अमेरिका तक। अब क्या है वो एयरलाइंस क्या है इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिया। ठीक है इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड वो उसका ऑपरेशन कहां से हो रहा है इंडिया से हो रहा है तो वो एयरलाइंस कहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो ये था हमारा पहला टॉपिक दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉर्मल रेसिडेंस। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल रेसिडेंस। देखते हैं भाई नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है नॉर्मल रेसिडेंस। Sometimes we say that we are normal resident of India. हम अक्सर बोलते रहते हैं कि हम इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं हम अमेरिका के नॉर्मल रेसिडेंट बट नॉर्मल रेसिडेंट के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है लेट्स सी। नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स इट रिफर्स टू एन
इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ordinarily decides in a country for a period of 1 year and whose center of economic interest also lies in that country. क्या नाम है इसके? It refers to an individual or an institution. यानी कि normal resident जो है, कोई भी एक individual भी हो सकता है, या कोई भी एक हमारा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, या हमारी कोई इंस्टीट्यूशन है वो भी नॉर्मल रेसिडेंस में आ सकते हैं. बट इसके पीछे लॉजिक क्या है? हु ऑर्डिनरीली डिसाइड्स इन दैट कंट्री, जो कि उस कंट्री में, उस देश में रहता हो फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year. यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई एक इंस्टीट्यूशन जो एक कंट्री में रहता हो, कब तक, या फिर एक साल, या फिर एक साल से ज्यादा. ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, एंड whose center of economic interest also lies in that country. That means कि वो रहता भी उसी देश में हो, ठीक है, और उसका center of economic interest, center of economic interest means कि वो नौकरी भी उसी country में करता हो, तो वो हो जाएगा हमारा normal resident. कोई भी individual, कोई भी institution एक देश में रहता हो, एक साल या एक साल से ज्यादा हो गया, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि वो जॉब भी कहाँ करता हो, वो जॉब भी उसी कंट्री में करता हो, तो अगर ये दो कॉन्सेप्ट हमारी फुलफिल हो जाती हैं, देन दैट पर्सन और दैट इंस्टीट्यूशन विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट. तो हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, पहला हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी और दूसरा हो गया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिटीजन. Our next topic is citizenship. Okay? We normally say that we are citizen of India. हम बोलते हैं कि हम citizen of India है, ठीक है, हम India के citizen है. So जो हमारा topic है citizenship, it is basically based on two concepts. जो हमारा ये टॉपिक है सिटीजनशिप, ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. नंबर वन, बॉर्न इन इंडिया. दैट मींस इफ अ पर्सन, ठीक है, इफ अ पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया ही ऑटोमेटिकली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. अगर कोई पर्सन है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसकी पैदाइश कहाँ की है, हमारे इंडिया की, तो उसको नॉर्मली, तो उसको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी. नेक्स्ट, बाय लीगल प्रोसीजर. लीगल प्रोसीजर मींस बाय लॉ. इफ अ पर्सन हु इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया एंड अप्लाइज फॉर इंडियन सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू गेट सिटीजन ऑफ इंडिया. अगर कोई पर्सन जो इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ, जिसकी पैदाइश इंडिया के बाहर है, और वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, अब हमारे इंडियन लॉ ने क्या किया, उसको अप्रूवल दे दी कि भैया आप इंडियन सिटीजन बन गए हो, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप उसको ऑटोमेटिकली एक्वायर हो जाएगी. तो पहला हो गया हमारा बॉर्न इन इंडिया, और दूसरा क्या हो गया, बाय लीगल प्रोसीजर. सो जो आज की हमारी वीडियो थी, उसमें हमने टोटल तीन टॉपिक कंप्लीट किया. पहला हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, दूसरा हो गया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट, और तीसरा हो गया सिटीजनशिप. आई होप कि आज के तीन टॉपिक सबको समझ में आया होगा. जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वीडियो नंबर 5, उसमें हम चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे, और बाकी के जो कॉन्सेप्ट है, लाइक एज
फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, डिप्रिसिएशन हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, NFIA हो गया, उसको कंप्लीट करके एक से दो वीडियो में उसके बाद हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है दैट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में हम आगे बढ़ेंगे। सो एट लास्ट इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।